हाय स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में जो पढ़ रहे थे वो कोशिका झिल्ली के बारे में और कोशिका झिल्ली के कार्य के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो कोशिका झिल्ली जो है क्या क्या कार्य करती है, अर्धपारगम झिल्ली या चयनात्मक झिल्ली होती है जो पदार्थों का चयन करती है, सुरक्षा का काम करती है, कोशिका के आकार को बनाए रखती है, कोशिका जो है मजबूती प्रदान करने का अर्थात कोशिका के अंदर इंटर जंक्शन जो होते हैं वो पाए जाते हैं कोशिका झिल्ली के अंदर। नेक्स्ट जो कार्य जो है उसमें बात करते हैं कोशिका झिल्ली जो पदार्थों को अंदर ग्रहण करती है जिसमें एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस अर्थात कोशिका एंडो दो टर्म होती हैं, एक होती है एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कोशिका झिल्ली द्वारा पदार्थों को कोशिका के अंदर ग्रहण करना क्या कहलाएगा एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब अंदर, साइटो का मतलब कोशिका, सिस का मतलब अंदर, ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसे ही क्या कहा जाता है एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। तो ये कोशिका एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया दो प्रकार से कर सकती है, एक होती है फेगोसाइटोसिस और एक होती है पिनोसाइटोसिस। अगर फेगोसाइटोसिस की बात करते हैं तो फेगो में क्या होता है कोशिका झिल्ली के द्वारा जो छोटे अणु जो है वो तो क्या आ जाते हैं छिद्र को पार करके आ जाते हैं, अर्थात वहाँ तो क्या होती है कि पैसिव क्रिया होती है, निष्क्रिय प्रक्रिया के द्वारा कोशिका के अंदर आ जाते हैं। परंतु एंडोसाइटोसिस जो है ये एक एक्टिव प्रक्रिया है, एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर क्या किया जाता है फेगोसाइटोसिस में कोशिका के द्वारा ठोस पदार्थों को क्या किया जाता है अंदर ग्रहण किया जाता है, वो भी कौन से मॉलिक्यूल को, बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो सिंपल जो जैसे पैसिव क्रिया के द्वारा, निष्क्रिय क्रिया के द्वारा कोशिका में अंदर नहीं आ सकते, ऐसे पदार्थ जो कोशिका के लिए रिक्वायरमेंट हैं और साइज उनकी बड़ी है, तो उस कंडीशन में कोशिका अपनी ऊर्जा का प्रयोग करके उन पदार्थों को क्या कर देती है अंदर ग्रहण करती है, और उसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। यहाँ पर फेगोसाइटोसिस कोशिका झिल्ली के द्वारा ठोस पदार्थों को अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है फेगोसाइटोसिस कहलाता है, अर्थात कोशिका के द्वारा ठोस पदार्थ, ये मान लो ये कोशिका झिल्ली है, अब यहाँ पर कोई ये ठोस पदार्थ आ गया, ये तो क्या है ठोस पदार्थ और ये है सेल मेम्ब्रेन। अब इस कोशिका झिल्ली के द्वारा क्या किया जाएगा इस पदार्थ को ग्रहण किया जाएगा, तो यहाँ पर इस तरीके से खांच उत्पन्न हो जाती है, ये ठोस पदार्थ आ गया और धीरे धीरे इस ठोस पदार्थ को क्या कर लिया जाएगा अंदर ग्रहण कर लिया जाएगा, और यहाँ पर ये जो बन जाता है ये बन जाता है फेगोसोम। क्या बन जाएगा, एक वेसिकल के अंदर ठोस पदार्थ बंद हो जाता है उसे क्या कहा जाता है फेगोसोम कहा जाता है, ये क्या कहलाएगा फेगोसोम। तो इस तरीके से कोशिका के द्वारा क्या किया जाता है ठोस पदार्थों को ग्रहण किया जाता है, तो उसी क्रिया को क्या कहा जाता है फेगोसाइटोसिस कहा जाता है।
अगर पिनोसाइटोसिस की बात करते हैं तो पिनोसाइटोसिस के द्वारा क्या होता है, कोशिका के द्वारा या कोशिका झिल्ली के द्वारा, कोशिका झिल्ली के द्वारा तरल पदार्थों को कोशिका के अंदर ग्रहण करना क्या कहलाएगा, पिनोसाइटोसिस कहलाता है। क्या कहलाएगा, पिनोसाइटोसिस कहलाता है। क्लियर। अब देखो यहाँ फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस जो है वो कैसे हो रहा है, यहाँ पर तरल पदार्थ, परंतु थोड़ा सा फर्क ये होता है, यहाँ पर ये कोशिका झिल्ली है, ये तो क्या सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, ग्राही पाए जाते हैं। तो ये क्या है, ग्राही। और ये ग्राही जो है, इन ग्राहियों से कौन आके जुड़ेगा, जो तरल पदार्थ जो होते हैं वो आके जुड़ जाते हैं, और धीरे धीरे अब क्या होगा, कोशिका झिल्ली के तरल पदार्थ के अणु हैं, ये क्या है, तरल पदार्थ। अब ये कोशिका झिल्ली क्या करेगी, वही प्रोसेस होगी, यहाँ पर ये क्या है, रिसेप्टर, और यहाँ पर ये क्या है, तरल पदार्थ के अणु। धीरे धीरे क्या कर लिया जाता है, कोशिका झिल्ली के द्वारा यहाँ पर ये पिनोसोम बन जाता है, ये तो रिसेप्टर जो है कोशिका झिल्ली पर पाए जाने वाले, और ये जो है यहाँ पर ये क्या है, तरल पदार्थ। तो तरल पदार्थ इनसे जुड़कर कहाँ चले जाते हैं, कोशिका झिल्ली के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर तो ग्राही जो है तरल पदार्थों को अंदर ग्रहण करने में सहायता करते हैं, अर्थात सबसे पहले तरल पदार्थ ग्राही से जुड़ते हैं, उसके बाद में कोशिका झिल्ली जो है उसमें खाँच उत्पन्न होती है, और वो धीरे धीरे क्या कर लेती है, अंदर ग्रहण कर लेती है, और ये जो बन जाता है, ये बन जाता है पिनोसोम। क्या बन जाता है, पिनोसोम। सोम का मतलब होता है बॉडी, और पिनो का मतलब तरल पदार्थ युक्त, अर्थात तरल पदार्थ युक्त गोलाकार संरचना को क्या कहेंगे, पिनोसोम कहा जाता है। और फेगोसाइटोसिस में क्या किया जाता है, तरल पदार्थों को कोशिका अंदर ग्रहण करती है, तो उसे क्या कहा जाता है। अब ये काम में सबसे में दोनों में कौन हेल्प कर रहा है, कोशिका झिल्ली, अर्थात कोशिका झिल्ली के द्वारा ही क्या कहे किया जा रहा है, चाहे तरल पदार्थ हो चाहे ठोस पदार्थ, उनको अंदर ग्रहण किया, कौन से पदार्थों को, जिन पदार्थों को सामान्यतः कोशिका झिल्ली पैसिव क्रिया के द्वारा अंदर ग्रहण नहीं कर सकती, अर्थात जो बड़े अणु होते हैं उन बड़े अणुओं को कोशिका झिल्ली जो है फेगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा या एंडोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा क्या कर लेती है, अंदर ग्रहण कर लेती है। क्लियर। अब आती है कि इनको बाहर निकालने की जो क्रिया है, यहाँ पर ये तो थी अपनी कौन सी क्रिया, एंडोसाइटोसिस, और इसी के विपरीत अगर क्रिया की बात करेंगे अपन, वो कौन सी क्रिया होगी, एक्सोसाइटोसिस। कोशिका झिल्ली के कार्य की बात कर रहे हैं अपन यहां पर, एक्सोसाइटोसिस, साइटोसिस, और एक्सोसाइटोसिस की बात करेंगे यहां पर, कोशिका झिल्ली द्वारा हानिकारक पदार्थों को कोशिका या अपचित पदार्थ लिख सकते, कोशिका झिल्ली द्वारा अपचित पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, एक्सोसाइटोसिस कहलाती है। वही चीज़ होगी यहाँ पर भी, जैसे मान लो ये व्यर्थ पदार्थ है यहाँ पर,
अपशिष्ट काय जिसको बोला जाता है यहाँ पर, तो इन अपशिष्ट काय जो है वो क्या कर देती है कि ये इसके साथ मिल जाता है और यहाँ पर ये अपशिष्ट पदार्थों को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता। तो ये क्रिया जो है ये क्या कहलाएगी, एक्सोसाइटोसिस कहलाती है, अर्थात अपचित पदार्थ या व्यर्थ पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको कोशिका झिल्ली के द्वारा बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे ही क्या कहा जाता है, एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। तो ये कोशिका झिल्ली के मेन मेन कार्य थे। उसके बाद में एक कार्य और ले सकते हैं, जैसे जीवाणुओं जो होते हैं उस जीवाणुओं की कोशिका झिल्ली जो होती है उसी कोशिका झिल्ली पर क्या पाए जाते हैं, श्वसनकारी एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट कार्य में जीवाणुओं की कोशिका झिल्ली पर श्वसनकारी एंजाइम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होंगे, जो जीवाणु जो होते हैं उनकी कोशिका झिल्ली जो होती है उस कोशिका झिल्ली पर क्या पाए जाते हैं, जो एंजाइम जो होते हैं श्वसनकारी एंजाइम वो पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये मेन मेन क्या थे, कोशिका झिल्ली के कार्य। क्लियर? तो कोशिका झिल्ली का जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो चुका है कि कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है, कोशिका झिल्ली के रूपांतरण क्या है, इनके बारे में अपन पढ़ चुके। कल जो है अपन नेक्स्ट क्लास जो है उसमें क्या करेंगे, कोशिका भित्ति के बारे में, जो कहाँ पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति कहाँ कहाँ पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में, फंजाई जो है उसमें, उसके बाद में प्रोकैरियोट्स, जिसको यहाँ पर माइकोप्लाज्मा को अगर छोड़ दिया जाए तो प्रोकैरियोट्स कोशिका जो होती है उनमें भी क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्लियर? तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कल।